माइंड कभी कभार ब्लैंक हो जाता है, बॉडी फ्रीज हो जाती है जब हम ज़्यादा एंग्शियस, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या कभी कभार हम कोई गलती कर देते हैं। तो इस समय से क्या करें, आप अपने माइंड को एक मोबाइल फ़ोन की तरह सोचिए। जैसे जब फ़ोन हैंग करने लगता है तो हम उसे क्या करते हैं, ऑफ़ करते हैं और ऑन कर देते हैं, और फिर एकदम बढ़िया से वो दोबारा चलने लग जाता है। हमें अपने माइंड के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है, एक बहुत ही छोटा सा क्विक एफिशिएंट ब्रेक लेना है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी। एक हाथ अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में डाल लिया आपने, बेंड डाउन करके अपना शू लेस टाई कर लिया, एक छोटा सा विजुलाइजेशन कुछ ही सेकेंड्स का कर लिया, एक अपनी सांस पे फोकस कर लिया। अलग अलग तरीके हैं जिससे आप उस मोमेंट में स्विच ऑफ करके, अपना ध्यान गेम से ऑफ करके वापस गेम में ला सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं चाहिए। हाँ, अगर 2 पॉइंट के बीच में आपके पास टाइम है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बाउट चढ़ रहा है, आपके पास 1-2 सेकेंड है, वो भी काफ़ी है। 1-2 कदम पीछे लीजिए, अपने माइंड को रिस्टार्ट करिए और दोबारा खेलने लगिए। तो हमें क्या करना है, जब हमारा माइंड इस तरह से ब्लैंक होता है तो कई बार बहुत चिंता वाली थॉट्स आती हैं, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, इसलिए हमें क्या करना है वो हमें समझ नहीं आता। तो हमें अपना फोकस वापस उन चीज़ों पर लाना है जो हमारे कंट्रोल में है। आँख बंद करके एक गहरी सांस लीजिए अगर पॉसिबल है, या अपनी टेक्निक को शैडो करिए, सिंपल फुटवर्क, सिंपल हैंडवर्क, जिससे कि आप अपनी जो बेसिक ग्राउंड वर्क है, जो आपकी बेसिक टेक्निक है, उसका वापस आ सकें। इसको आपको बहुत सिंपल रखना है, बहुत बेसिक रखना है, ओवरथिंक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं रखनी है, पैनिक नहीं करना है। इस टाइम पे उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके कोच बता रहे हैं। अगर आप बाकी डिस्ट्रैक्शन को ट्यून आउट करके अपने कोच की आवाज़ सुन सकते हैं तो वो आपको गाइड कर पाएंगे उस टाइम पे। कई बार हो सकता है आपके कोच आपके साथ नहीं हो टूर्नामेंट में, इन दैट केस जो आपके कोच ने आपको पहले सिखाया है, जो स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ करी हैं, उनको याद करके फॉलो करने की कोशिश करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये याद रखिएगा कि सारे जवाब आपके पास हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप अपनी गेम में एक्सपर्ट हैं, आप चैम्पियन हैं, आपको सब पता है। जस्ट टेक अ मोमेंट, रिलैक्स एंड रिमेंबर सारे आंसर्स अब दी।